नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। नोएडा के सेक्टर 16 फिल्म सिटी में स्थित लक्ष्मी स्टूडियो में मोंट्रोस फाउंडेशन द्वारा रनवे फैशन वीक 2020 का खास आयोजन किया गया। यह रनवे वीक का कार्यक्रम लगातार दो दिन तक चला, जिसमें दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा और अपनी प्रतिभा को सभी के समक्ष रखा। मोंट्रोस रनवे फैशन वीक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कैंसर पीड़ितों की मदद करना है। मोंट्रोस रनवे फैशन वीक में एकत्र हुए पैसों को कैंसर से जूझ रहे गरीब असहायों को दान में दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजितकर्ता विशाल मोंट्रोस ने बताया कि शो करने का उद्देश्य यह है कि शो के माध्यम से कैंसर पीड़ितों की मदद कर सके और उनका इलाज करवा के उनको एक नई जिंदगी मिल सके, वह अपनी जिंदगी खुशी से जी सके। इस रनवे फैशन वीक में सेलिब्रिटीज की भूमिका में आए अश्मित पटेल, विपिन भारद्वाज और सारा खान, जिन्होंने वहां उपस्थित होकर सभी प्रतिभागियों का हौसला अफजाई की। देखिए सच की रफ्तार के संवाददाता जितेश अनेजा की एक खास रिपोर्ट। मोंट्रोस रनवे फैशन वीक इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब और मैं जब यहाँ पे इस शो के लिए अप्रोच की गई थी तो आई रियली फेल्ट वेरी हैप्पी कि इस कॉज के लिए लोग काम कर रहे हैं फॉर कैंसर पेशेंट्स, और ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई कैंसर पेशेंट्स के लिए इतना ज़्यादा सोच रहा है। सो आई होप कि ये अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके वो हो जाए। शो के जो ऑर्गेनाइजर हैं विशाल जी, जिन्होंने ये खास कार्यक्रम रखा गया है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे कि कैंसर पेशेंट हैं उनको लेकर? नहीं, विशाल जी हमारे साथ में ही खड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है एंड आई होप इतना अच्छा सोचने के बाद सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। जब वो इतना अच्छा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली, और हम सब साथ हैं, वी ऑल आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। मॉडल्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने भूमिका निभाई है, मॉडल्स के लिए खासकर? मॉडल्स के लिए भी उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, और सभी लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं फॉर अ ब्यूटीफुल कॉज, सो आई थिंक एवरीवन इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आए और जिस तरह का इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें भी उन्होंने मतलब हम लोगों का साथ दिया, तो थैंक यू वेरी मच अश्मित एंड सारा फॉर कमिंग। वेल, विशाल जी के साथ मेरा दूसरा तीसरा इवेंट है, सो आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने फंड रेज कैंसर पेशेंट के लिए सब किया हुआ है, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम एज वेल एज उसका जो एनजीओ है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द मॉडल्स एंड कंटेस्टेंट्स जो यहाँ पे अपना बेस्ट देने वाले, थैंक यू सो मच। सर, मोंट्रोस फाउंडेशन के द्वारा रनवे फैशन वीक का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुशी हुई कि इन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे, क्योंकि एक फैशन शो के साथ साथ एक अच्छा कॉज है कैंसर पेशेंट्स के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं, तो ऐसे जब एंडेवर्स होते हैं इट्स ऑलवेज गुड टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग व्हिच इज डूइंग समथिंग गुड फॉर सोसाइटी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ऐसा पहला शो है जो कैंसर पेशेंटों की मदद करने के लिए होगा, जितना भी इनको अर्निंग होती है सब कैंसर पेशेंटों के लिए होगा, तो कितनी अच्छी पहल देखते हैं आप इसको, कितनी अच्छी पहल देखते हैं इसको? वेल, आई डोंट नो, आई थिंक इनका पहली बार है, फर्स्ट ईयर दैट दे आर डूइंग दिस, आई होप कि यहाँ से दे ग्रो। हम लोग हमेश्या सपोर्ट के लिए रेडी हैं, आई एम श्योर सारा जी भी रेडी हैं, मीना जी भी रेडी हैं, तो हम हमेशा सपोर्ट के लिए हैं एंड आई एम श्योर कि फ्रॉम दिस स्मॉल बिगिनिंग दे गोना ग्रो मच मच बिगर। शो के ऑर्गेनाइजर और पूरी टीम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट एंड गुड जॉब ऑन ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल इवेंट विद सच एन अमेजिंग कॉज। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और मैं यहाँ पे चार कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड फर्स्टली आई रियली थैंक्स विशाल मोंट्रोस जिसने हमें इस कॉज के लिए इनवाइट किया, कैंसर पेशेंट्स सर्वाइवल के लिए जो कॉज के लिए जिसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, एंड वी फील प्राउड कि हमने इसके साथ मिलकर एक कोशिश की है कुछ देने के लिए समाज को, एंड मैं यहाँ पे चार कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 360 ड्रीम रिवॉर्ड 360, अबीज खादी इंडिया, बिजनेस अचीवर्स एंड रेडवुड ऑर्गेनिक, ये स्पॉन्सरशिप है यहाँ की, एंड लकली मैं इस इवेंट का CEO भी हूँ, एंड मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने सेलिब्रिटी गेस्ट्स का, अपने सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स का और सारे पार्टिसिपेंट का जिसने एक इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। सर, ऑर्गेनाइजर विशाल जी हैं तो उनके लिए क्या कुछ? विशाल
विशाल को मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ एंड विशाल ने जितना काम समाज के लिए किया है शायद ही मेरे किसी भी जानने वाले या ग्रुप में एक ऐसा इंसान मेरे को टकराया हो। विशाल एक अकेला ऐसा बंदा है जिसने इस कॉन्सेप्ट को एक इवेंट में बताया। आज जो हम जहाँ पे खड़े हैं, जिस इवेंट पे खड़े हैं, बिकॉज ऑफ